दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की सियासी क्यादत के बाद अब पाकिस्तान की फौज भी इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। इसराइल के खिलाफ आज मुनक्कद होने वाले OIC इजलास के बाद पाक फौज ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों आज OIC इजलास में कतर, पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान और तुर्की ने इसराइल के खिलाफ सख्त तरीन मौकफ अपनाया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इनसाइड न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जहां मलेशिया ने इसराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक की अफवाज को जंग में उतारने का मशवरा दिया, वहीं तुर्की की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि फलस्तीन की फौज को न सिर्फ इसराइल के खिलाफ बेहतर तरबियत दी जाए बल्कि उनके लिए जदीद असले का एहतमाम भी किया जाए, जिस पर अब पाक फौज ने बड़ा ऐलान करते हुए इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाक फौज अब न सिर्फ फलस्तीनी फौज को तरबियत फराहम करेगी बल्कि पाक फौज ने अब अपने जेरे इस्तेमाल जदीद असला भी फलस्तीनी फौज को देने का ऐलान कर दिया है।